जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। पटना के सिविल कोर्ट में पैसे के लिए पहुंचे मनीष कश्यप ने आक्रामक अंदाज में अपने विरोधियों से लेकर पुलिस और बिहार की सरकार पर तक निशाना साधा। मनीष सरकारी तंत्र, जेल के सिस्टम और हाजतों की दशा पर जमकर बरसे। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पुलिस की गाड़ी जिसमें कैदियों को लाया जाता है उसकी बदहाली पर जहां सवाल खड़ा किए, वहीं हाजत में जिस तरीके से कैदियों को रखा जाता है उससे भी खासे गुस्सा दिखे। मीडिया के लोगों से बात करने के दौरान मनीष ने कहा, मैं फौजी का बेटा हूँ और फौजी का ही पोता हूँ। मेरे दादा चीन और मेरे पिता पाकिस्तान से लड़े थे। मेरे ऊपर एक या दस केस हो जाए, मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ जो डर जाऊंगा। मनीष ने कहा कि आज के बाद फिर उन पर केस किया जाएगा, लेकिन वो किसी भी नेता से डरने वाले नहीं है। उन पर कितना भी FIR दर्ज हो लेकिन वो डरने वाले नहीं है। वो ईमानदार आदमी है, वो आवाज उठाते रहेंगे। तमिलनाडु में फिर से मजदूरों को पीटे जाने पर मनीष कश्यप ने कहा कि मैंने पहले भी आवाज उठाया था और कहा है कि बिहार के मजदूर बाहर में मार खाते हैं, लेकिन जब आवाज मनीष कश्यप उठाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर से मुझ पर ही FIR किया जाएगा। मनीष ने कहा कि स्टालिन के बेटे ने बयान देकर आग लगाने का काम किया है, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिहार में लगातार यादवों की हत्या हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव खुद यादव है, जाति के नाम पर क्यों नहीं यादव को बचाने का काम करते हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि वो स्पेशल कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि वो चारा चोर के बेटे नहीं है, वो किसी भी हालत में डरने वाले नहीं है। बता दें आपको कि मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि आप पत्रकार स्वतंत्रता की बात करते हैं, एक स्वतंत्र पत्रकार ने स्वतंत्रता से आवाज उठाई है, हाजत में चेक करने की बातें मैं कह रहा हूँ, हाजत में स्मैक गांजा आता है लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे मनीष कश्यप ने कहा कि मैं आवाज उठा रहा हूँ फिर तो मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से विनती करना चाहता हूँ कि मेरे केस बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्यों से अलग राज्य में ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरा केस किसी भी राज्य में ट्रांसफर किया जाए, मैं वहां से लड़ लूंगा, लेकिन मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा केस CBI को ट्रांसफर किया जाए, मैंने कहीं गलत नहीं बोला है। बिहार के मजदूर मार खाते थे और अब भी बिहार के मजदूर मार खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।